इस साझेदारी के बाद मर्चेंट और मुश्ताक का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वोत्तम ओपनिंग पेयर के रूप में लिया जाने लगा। भारत के पहले वर्ल्ड क्लास ओपनिंग बैट्समैन का नाम था विजय माधव जी ठाकर से, लेकिन क्रिकेट जगत उन्हें जिस नाम से पहचानता है वो है विजय मर्चेंट। विजय मर्चेंट हमेशा कहते थे, माधव, आर्ट ऑफ ओपनिंग बैटिंग इज इन लीविंग द बॉल नॉट प्लेइंग। विकेट पे रहना, नया बॉल खेलते रहना, और जो आने वाले बैट्समैन है उनके लिए वो इजी होना चाहिए, ये हिसाब से मर्चेंट बैटिंग करते थे। विच मीन्स बी अ गुड जज ऑफ द मूविंग बॉल, एंड इन आज की भाषा में कहेंगे यू मस्ट नो वेयर योर ऑफ स्टंप इज। मर्चेंट का इतना परफेक्शन था, वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जो बोलते हैं, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। विजय मर्चेंट छोटी उम्र से ही क्रिकेट में माहिर थे। वो अपने स्कूल और कॉलेज के सबसे नामी और सफल बल्लेबाज थे, और बंबई के क्रिकेट जगत में 18 साल की उम्र से ही उनकी काफी चर्चा होने लगी थी। 1929 में बंबई क्वाड्रेंगुलर में उन्हें हिंदूज की टीम में भी शामिल किया गया। 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज ऑन, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, सो द हिंदू जिमखाना बॉयकॉटेड द टूर। दे सेड नो प्लेयर फ्रॉम हिंदू जिमखाना शुड गो टू इंग्लैंड, सो मर्चेंट मिस्ड आउट ऑन द टूर। इंग्लैंड की टीम 1933-34 में भारत आई और विजय मर्चेंट बॉम्बे में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में चुने गए। टेस्ट मैच से एक हफ्ता पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी की टीम की ओर से वो एमसीसी के विरुद्ध खेल रहे थे, जब मॉरिस निकल्स की एक घातक गेंद असाधारण रूप से उछली और उनकी ठोड्डी पर आ लगी। ये लगने के बाद मर्चेंट ने नेक्स्ट वन मंथ खाली वो ही प्रैक्टिस किया हिंदू जिमखाना पे, शॉर्ट बॉल, बिकॉज उनके लिए वो ह्यूमिलेटिंग था। जार्डिन द इंग्लिश कैप्टन पेड हिम द ट्रिब्यूट दैट ही इज द साउंडेस्ट बैट्समैन इन इंडिया, एंड सिंस देन टिल हिज रिटायरमेंट ही नेवर लुक बैक। 1936 में भारत ने इंग्लैंड का एक दौरा किया, और इस समय भारतीय क्रिकेट से जुड़े सभी लोग ये मानते थे कि विजय मर्चेंट तकनीकी रूप से भारत के सर्वोत्तम बल्लेबाज थे। दौरे के फर्स्ट क्लास मैचेस में उनका बढ़िया प्रदर्शन देख के उनको टेस्ट मैचेस में ओपनर का दर्जा दिया गया, और वो पहली बार भारत के प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरे। अंग्रेज गेंदबाजों की बेहतरीन बॉलिंग का सामना उन्होंने तीनों टेस्ट मैचेस में बखूबी किया और श्रृंखला में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाए। जबरदस्त दबाव में खेलते हुए मर्चेंट ने एक लंबी पारी खेली। सैयद मुश्ताक अली के साथ 203 रन की साझेदारी निभाते हुए मर्चेंट ने 114 बेशकीमती रन बनाए। इस साझेदारी के बाद मर्चेंट और मुश्ताक का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वोत्तम ओपनिंग पेयर के रूप में लिया जाने लगा। मुश्ताक इज ए पोएट्री और मर्चेंट इज ए प्रोज लिखा है नेवल कार्डस ने, और मेरे ख्याल से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट से किसी ने नहीं दिया होगा। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 10 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला गया। विजय मर्चेंट घरेलू क्रिकेट में व्यस्त हो गए, साथ साथ वो रणजी ट्रॉफी में कई साल बंबई टीम के कप्तान रहे। The merchant school of batting would mean that you make as few mistakes as possible. That defense is your watchword. You exercise the greatest restraint on your batting when selecting the right ball to hit. For instance, the late cut. You don't employ the late cut until you are there for at least half an hour. You don't make the hook stroke on the leg side until you see the ball as big as a football and the shine has gone off the ball. जिम्मेदारी लेना, अपनी विकेट की कीमत जानना, कभी ऐसा स्ट्रोक ना खेलना जो आप पीछे देखते हुए कहें कि यार महंगा पड़ा। ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स थे
बंबई बैट्समैनशिप। आपको वो बचपन से ही आपको बताता है बॉम्बे क्रिकेट की, अपना विकेट कभी मत फेंको, पकड़ के खेलो, बिल्कुल खड़ूस खेलो, और विकेट फेंकना तुम्हारी जिंदगी फेंकने के बराबर है। One should remember that as long as you are there at the wickets, the runs will come. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शुरू होने की राह देखते हुए विजय मर्चेंट ने डोमेस्टिक क्रिकेट में जी जान से मेहनत की। उनके आंकड़ों में हर साल बढ़ोतरी हुई। इस दौरान भारतीय क्रिकेट में एक और विजय नामक बल्लेबाज उभर कर आया, विजय हजारे। विजय मर्चेंट और विजय हजारे की राइवलरी भारतीय क्रिकेट का एक दिलचस्प वाकया बन गया। विजय हजारे मैंने तो पेंथेंगलर्स में देखा। विजय मर्चेंट जितना ही टेक्निक, वेरी साउंड टेक्निक, कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, और जिसको कहते हैं हंगर फॉर रन्स, वॉज ऑल्सो इक्वल विथ विजय मर्चेंट। विजय हजारे और विजय मर्चेंट, ये दोनों की बैट जो है उसकी साइज बॉलर का हमेशा बड़ी लगती थी। विजय मर्चेंट 100 बनाए, हजारे वुड 100 बनाए, 200 बनाए तो हजारे वुड ऑल्सो फॉलो, दे वर चेजिंग ईच अदर इन ड्यूरिंग द पेंटेंगुलर ईयर्स। 1941 में मर्चेंट ने 243 बना के बॉम्बे पेंटेंगुलर में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड बनाया था। 1943 में हजारे ने 248 बनाकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। एक हफ्ते बाद फाइनल में मर्चेंट ने 250 बनाए और आगे निकल गए। जवाब में हजारे ने उसी मैच की दूसरी पारी में 309 बनाए। पेंटेंगुलर में यह रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा, पर महीने भर में ही मर्चेंट ने रणजी ट्रॉफी में 359 बनाए और फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया। 10 साल के लंबे अरसे के बाद आखिरकार वो घड़ी आई जिसका हर क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमी को इंतजार था। 1946 में इंग्लैंड का एक और दौरा घोषित किया गया। इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए योर टेक्निक हैड टू बी वेरी गुड, वेरी वेरी साउंड। 1946 को जाने के पहले उन्होंने हिंदुमखाना पे पानी जो होता है पानी डाल दिया पिच के ऊपर गिल्ला करने के लिए, और गिल्ला विकेट पे ऊपर वो प्रैक्टिस करते थे। तो सुबह 6 बजे विजय मर्चेंट बैटिंग प्रैक्टिस के लिए CCI पे जाते थे। 6 बजे जल्दी क्यों, कि ड्यू होता था, ड्यू की वजह से बॉल की मूवमेंट, मूविंग द बॉल विद द न्यू बॉल, एंड बम्बई यूनिवर्सिटी के जितने अच्छे फास्ट बॉलर्स थे, यूनिवर्सिटी प्लेयर्स, वो सामने से बॉलिंग करते थे, विजय मर्चेंट उनके सामने प्रैक्टिस करते थे। विजय मर्चेंट को 1946 के दौरे का कप्तान बनना था, एन वक्त पर नवाब ऑफ पटौड़ी सीनियर, जो पहले इंग्लैंड की ओर से खेल चुके थे, भारत के लिए उपलब्ध हुए और मर्चेंट उनके उप कप्तान बन के इंग्लैंड गए। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतने सालों बाद खेल रहे थे, अपने कड़े परिश्रम और अभ्यास की बदौलत एक बार फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए। उन्होंने दौरे में 26 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 75 की औसत से 2385 रन बनाए। विकेट्स वेर अनकवर्ड, बॉडीज वेर अनकवर्ड। इंग्लिश वेदर में बॉल ज्यादा मूव होता था बिकॉज ऑफ हेवी एटमॉस्फेयर, उधर से सामने से आती जाएगी, लेकिन ये जो है खेलना है, बस देश के लिए खेलना है, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मर्चेंट वॉज लाइक दैट। कमाल की बात यह है कि मर्चेंट की रन संख्या किसी भी अन्य भारतीय बल्लेबाज से लगभग दुगनी थी। इंग्लैंड से वापस आने के बाद विजय मर्चेंट की तबीयत नासाज होने लगी। जब स्वतंत्र भारत की टीम 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निकली तो वो टीम में शामिल नहीं हो सके और डोनाल्ड ब्रैडमन के विरुद्ध खेल नहीं पाए। 1951 में उन्होंने 5 साल बाद फिर एक टेस्ट खेला, इंग्लैंड के विरुद्ध दिल्ली में। इस मैच में आखिरी बार भारत के लिए नई गेंद का सामना करते हुए उन्होंने अपने टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर बनाया और इस आखिरी शानदार प्रदर्शन के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो गए। He always wanted to retire in glory and not be sort of discarded by the selectors. A cricketer should retire when he's still good enough to play for his team and his country. In other words, when people will ask why, not when they start asking why not. He gives a chance to the younger generation of cricketers to come up at a time when he's just giving up first-class cricket.
71 plus in first class cricket is quite astounding. His average, 71, is only second to Bradman. रिटायरमेंट के बाद भी विजय मर्चेंट क्रिकेट के प्रशासक और रेडियो प्रेजेंटर के रूप में खेल से जुड़े रहे, मगर वो भारतीय क्रिकेट में एक ऐसी खाली जगह छोड़ गए जिसे भरने में 20 साल लगे। 1950 के दशक में कुछ समय तक विनू मांकड़ और पंकज रॉय की सलामी जोड़ी उभर कर आई और उन्होंने एक ओपनिंग पार्टनरशिप का विश्व रिकॉर्ड 413 रन बनाकर स्थापित किया। ये रिकॉर्ड 50 साल तक बरकरार रहा, लेकिन मंकड़ और रॉय इसके बाद ज्यादा अरसे तक नहीं खेले। During the 1955-56 tour, this world record stands to this day. मर्चेंट 1960 के दशक में चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बने और उन्हीं के कार्यकाल में भारत को आखिरकार एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन मिला जो बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप का छात्र भी था और मर्चेंट के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रारंभिक बल्लेबाज बनने वाला था। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।